प्रश्न ये था कि जब विषय न हो, इंद्रियां न हो, देह न हो, मन न हो, बिल्कुल शून्याकार निराकार निर्विकार हो, तब कोई मुक्त हो। बोले सीताराम कहो है न, ऐसा मुक्त तो संसार में कभी होगा ही नहीं, केवल कल्पना कल्पना की चीज रह जाएगी, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा। ऐसा संसार बना रहे और मुक्ति हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस भी होवे, इंद्रियां भी होवे, चलना फिरना भी होवे, खाना पीना भी होवे, सोचना समझना भी होवे और मुक्ति हो गए। ईश्वर ऐसा ही मुक्त है कि नहीं? बोले ईश्वर तो ऐसा ही मुक्त है कि सारा संसार भी बना हुआ है और वो मुक्त है। तो वो कौन सी ऐसी विद्या ईश्वर को मिल गई है कि वो तो संसार रहते मुक्त हो जाए है? और जीव को वो विद्या न मिल सके, वो जानकारी नहीं हो कि वो मुक्त नहीं हो सके। तो बोले जीव को भी जब वही ज्ञान हो जाता है जो ज्ञान ईश्वर को है कि संपूर्ण विश्व सृष्टि ब्रह्मात्मक, आत्मा भी ब्रह्मात्मक, तो वो भी मुक्त हो जाता है। तो मुक्त पुरुष के लक्षण बताए कि उसमें कर्तापन का भाव नहीं होता है, वो सब कुछ करता हुआ भी, इंद्रियों को भोग देता हुआ भी अनासक्त ही रहता है। उसके लिए ये नानात्व तो जो है वो स्वप्न के समान है। एक लक्षण बहुत अद्भुत बताया, ये भी स्वसंवेद्य लक्षण ही है। स्वसंवेद्य माने अपने आप जिसको समझा जा सके, दूसरा समझे ऐसा नहीं, जिसको हम खुद ही समझें कि ये बात हमारे अंदर है कि नहीं। तो यस्य स्वरूप संकल्पाः प्राणेन्द्रिय मनोधियाम वृत्तयः सब निर्मुक्तो देहको भी तदगुणी। बोले प्राण की वृत्ति है क्या? भोजन करना, खाना और पीना। तो उसमें संकल्प न हो, क्या खाएंगे क्या पियेंगे, जब जैसा जो मिला खा लिया पी लिया, जीवन चल रहा है। और दूसरी बात, इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं, देखना सुनना छूना, उसमें क्या देखेंगे क्या भोगेंगे ये बात नहीं, संकल्प रहे। जो आपके सामने आ गया तो देख लिया, जो बोला गया तो सुन लिया, और जो सामने करने को काम आया तो कर लिया। जदा यद कर तुम आयाती तत्कृत्वा तिष्ठतस्थ काम, जब जो काम सामने आया मौज से किया और मौज से रह रहा है। और मन मन में, बोले मन में भी आ गया कोई काल, मनोराज्य हो गया, बोले उसमें संकल्प नहीं है कि ये पूरा ही हो है और ये बहुत बढ़िया है और ये बहुत घटिया है, कब उनकी याद आ गई तो बहुत खराब हो गया और उनकी याद आ गई तो बहुत बुरा हो गया, ऐसा नहीं। अरे ये स्मृति हुई तो बहुत अच्छा और ये विस्मृति हुई तो बहुत खराब, ये बात साधक के लिए होती है, सिद्ध मुक्त पुरुष के लिए नहीं होती है। इसलिए उसकी स्मृति विस्मृति और उसका मनोराज्य भी संकल्प रहता है। अब बोले निश्चय, बुद्धि की वृत्ति क्या है? बुद्धि की वृत्ति है निश्चय करना। तो साधारण लोग अपने निश्चय से बंधे हुए होते हैं, आप जो हमने निश्चय किया तो ठीक,
और जो दूसरे ने निश्चय किया तो गलत। ये बात कैसे होती है कि जो बुद्धि को मैं मेरी समझ करके उसमें फंसे हुए होते हैं उन्हीं की ऐसी स्थिति होती है। तो साधक के लिए तो ये जरूरी है कि साधन संबंधी निश्चय को दृढ़ रखे। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय अनेक बार शास्त्र में आता ही है। लेकिन जीवन मुक्त महापुरुष बोले उसको तो संसार के बारे में तो निश्चय की बात ही क्या, मिट्टी से ही घड़ा बनता है, ये निश्चय रखने की भी जरूरत नहीं है। अरे सपने में भी तो घड़ा बन जाता है ना, वहां का मिट्टी रहती है। तो उसको ये ख्याल नहीं है कि सृष्टि कैसे हुई और कैसे नहीं हुई, इसके बारे में ये संप्रदाय, ये धर्म, ये जाति, ये भाषा, यहां तक कि ब्रह्माकार वृत्ति जो है ना, ब्रह्म और आत्मा एक ही है, ऐसा जो वृत्ति का निश्चय है उस निश्चय को भी हर समय बनाए रखने का जो आग्रह करेगा वो मुक्त नहीं है, बद्ध है। तो क्यों सुसुप्ति में ये निश्चय कहाँ रहेगा, जब बुद्धि सो जाएगी तब कहाँ रहेगा। तो जो निश्चय होने से मुक्त है और निश्चय छूट जाने से बद्ध है वो तो असल में मुक्त ही नहीं है। तो क्यों, वो तो वृत्ति को ही लेकर के बैठा हुआ है। तो प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की जितनी वृत्तियां हैं किसी में ये संकल्प नहीं है कि ये वृत्ति मेरी और ये वृत्ति मैं और ये वृत्ति बनी रहे और ये वृत्ति सच्ची। वो बाबा शरीर में रह करके भी, शरीर में रह करके जिंदा है बिल्कुल, लोगों के साथ मिल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, बोल रहा है, लेकिन संसार के गुणों से बिल्कुल मुक्त है। अब एक बाहरी लक्षण बताते हैं, इसको पर संदेह से बोलते हैं। यस्यात्मा हिंसते हिंसैहि येन किंचित् यदृच्छया अर्च्यते क्वचित् तत्र न व्यतिक्रियते बुधः। पर संवेद्य लक्षण क्या है, उसके चित्त की समता ही, उसके चित्त की समता ही पर संवेद्य लक्षण। क्या, तो भाई संसार में हिंसक प्राणी तो होते हैं, मनुष्य भी हिंसक होता है और पशु भी हिंसक होता है। मुने रपि वनस्पत्य यते है एकांत वासिना। एक महात्मा महाराज मौनी थे, वन में रहते थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे और अपने साधन में लगे रहते थे। लेकिन उत्पद्यन्ते त्रयः पक्षाः मित्रो दासीन तत्प्रवाह। उस जंगल में भी उनके कुछ लोग मित्र बन गए कि ये बड़े अच्छे महात्मा है। कुछ बोले अरे ऐसे तेरी है, पागल है, जाने दो। कुछ लोग बोले अरे ये बड़ा दम्भी है भाई, बकवत साधन, ये कोई अपना मतलब निकालना चाहता है। तो जो किसी से कोई संबंध नहीं रखता उसके भी लोग दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि प्रारब्ध के अनुसार कहीं दुर्जन प्राणी, हिंस प्राणी उसके शरीर को दुख पहुंचावे और कभी प्रारब्ध के अनुसार उसके बिना चाहे कोई उसकी पूजा ही कर दे, तो बोले क्वचित तत्र न व्यतीत क्रियते बुधः। ज्ञानी पुरुष न तो हिंसा से विकृत होता है और न तो पूजा से विकृत होता है। अरे हम तो इसने गाली दे दी, मार दिया, हमारा तिरस्कार कर दिया, तो हमारा तो सब कुछ लुट गया, तो ये बात नहीं होगी, मैं दुखी हो गया और इसने तो मेरी बड़ी पूजा की, बड़ी पूजा की, कर इससे कोई उसके मन में मैं सुखी हो गया ये कोई विकार नहीं होगा। तो ये जो महात्मा की स्थिति है ये तो लोगों को देखने में साफ ही आती है, क्योंकि जस कंत कई विपुदती चंदनई जस लिंपति अश्रुद्धो परिपुष्ट समस्त्य जो उसको कांटे से उसके शरीर में कांटा गड़ावे और जो उसके शरीर में चंदन का लेप करे, तो कांटा गड़ाने वाले पर क्रोधित नहीं और चंदन लगाने वाले पर संतुष्ट नहीं, समस्त तस्त उसके लिए वो भी अपना ही आत्मा है, वो भी अपना ही आत्मा है। अपने ही दांत कभी डर जाता है और अपने ही हाथ कभी बड़े प्रेम से अपने शरीर को सहलाता है, कभी अपनी चपत अपने को कभी लग जाता है, ऐसा भी होता है, तो उसमें किसके ऊपर नाराज होना। इसलिए महात्मा का लक्षण बताते हुए लोगों के बारे में वो कैसा बर्ताव करता है, नस्तुवी तन निंदित उर्वत साधुवा वदतो गुण दोषाभियाम वर्जित तन ब्रह्मणि।
न कुरिया न बदेश किंचित न ध्याये का देता दुबा आत्मा रामोन आवृत्तिया विचरे जड़वन मुनि। उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि बस ये दो श्लोक ध्यान में रख लो और उसके बाद मस्ती से संसार में बिखरो, कहीं कोई दुख नहीं है। दुख तो आप जानते ही हैं मन में होता है, जरा ध्यान से देखना इस श्लोक को, बहुत मजेदार है। गुण दोषाभ्याम वर्जिता समग्र मुनि पुरुषः, निष्ठा पुरुषः, जो गुण और दोष की दृष्टि को छोड़ चुका है ऐसा जो समदर्शी मुनि है, महात्मा है, वो स्वयं तो गुण और दोष से ऊपर उठ गया है। किसी में गुण नहीं देखना, किसी में दोष नहीं देखना, सबको निर्गुण ब्रह्म अपना आत्मा देखना, कि सब परमात्मा का स्वरूप ही है, समदर्शी है। अब दूसरे लोग जो हैं वो साधु असाधु बातः साधु असाधु बा बदतः जनान न सुवीत न निंदेत। लोग ऐसे ही उसके सामने आते हैं, कैसे लोग आएंगे, जो या तो अच्छा बुरा काम करने वाले होंगे, वो कहेंगे हमने ये बड़ा अच्छा काम किया, हमने ये बड़ा अच्छा काम किया, और या तो बुरे काम करने वाले होंगे जिनकी लोग में बड़ी निंदा होगी, ये चोर है, ये बदमाश है, और कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आकर के निंदा ही निंदा सुनावेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आकर के तारीफ ही तारीफ सुनावेंगे। तो साधु असाधु पूर्वतोगा साधु असाधु बदतोगा, चाहे अच्छा बुरा आकर के कोई कहे अपने बारे में कहे तो, और कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आकर के निंदा ही निंदा सुनावेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आकर के तारीफ ही तारीफ सुनावेंगे। तो साधु असाधु पूर्वतोगा साधु असाधु बदतोगा, चाहे अच्छा बुरा आकर के कोई कहे अपने बारे में कहे तो, दूसरों के बारे में कहे तो, और खुद वो अच्छा बुरा करता हो तो और न करता हो तो, उसकी न तो तारीफ करे कि हाँ हाँ तुमने बहुत बढ़िया किया, और न तो उसकी निंदा ही करे कि तुमने बहुत घटिया किया। क्यों? तो उसकी दृष्टि में कोई करता ही नहीं है, क्योंकि करता तो अंतःकरण की उपाधि से होता है, शुद्ध वस्तु कहीं करता नहीं होती है, और अंतःकरण तो मायामय है, जादू का खेल है, उसमें कर्म ही नहीं है। तो जो चीज है ही नहीं, करता कोई पैदा ही नहीं हुआ, कर्म करने वाला कोई औजार ही पैदा नहीं हुआ, जिसमें कर्म किया जाए ऐसा कोई द्रव्य ही नहीं है, तो जब गुण दोष दृष्टि ही नहीं है तो किसकी तो निंदा करे और किसकी स्तुति करे। इसलिए वो महात्मा समदर्शी होता है चोर के प्रति भी और साहूकार के प्रति भी, सब उसके पास आते हैं। एक बार हमारे गोकलपुर के बाबा जी महाराज बैठे हुए थे गंगा किनारे, एक आदमी ने आके प्रणाम किया तो हंसे बड़े जोर से, तो उनको मालूम पड़ जाता था ये आदमी कहाँ से आया है, क्या करके आया है। तो बोले कहो गुरु कहाँ से आ रहे हो। बोले एक रिश्तेदार के यहाँ आया था महाराज। बोले हाँ तुम तो रिश्तेदार के यहाँ आए थे और सब लाल पगड़ी वाले तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लाल पगड़ी पुलिस की होती है, वो लाल पगड़ी वाले आ रहे हैं तुम्हारे पीछे, और वो बैल जो तुमने जंगल में छोड़ दिया है चोरी का, तो अच्छा गुरु अब यहाँ से चले जाओ नहीं तो आके पकड़ ले जाएंगे, अब बैल भी लेके मत जाओ, बैल भी छोड़ दो और तुम चुपचाप चले जाओ, नहीं तो पुलिस वाले आ रहे हैं तुमको पकड़ ले जाएंगे। उड़िया बाबा जी महाराज थे, उनके यहाँ एक सेठ ने आकर के अपना कोट टांग दिया कुटिया में और खुद कहीं चला गया। अब एक आदमी ने जेब में से रुपए निकाल लिए तो लोग पकड़ के ले आए, फिर इसने रुपया निकाला, इसको निकाल दिया जाए। तो बाबा बोले कि जिस कुटिया में ऐसे चोर आते हैं रहते हैं वो कुटिया ही हम छोड़ के चले ना, आओ हम ही चले, है ना, आओ हम ही चले इसमें से, तो कुटिया के भीतर हमारा है, यहाँ से हम दूसरों को निकाल दें, और कुटिया के बाहर किसी दूसरे का है जहाँ ये जाके रहेगा, अरे वो बाहर वाली धरती भी हमारी और भीतर वाली धरती भी हमारी, सब तो हमारा ही है ना, सब तो हमारा ही है। इसलिए भाई मुक्त जो पुरुष होता है उसका दृष्टिकोण बहुत उच्च कोटि का होता है, उसको संसारी लोग छू नहीं सकते, वो इतने ऊंचे रहता है कि संसारी लोगों की आंख वहां तक नहीं पहुंचती है कि वो किस दृष्टि से किसको देख रहा है। न कुरिया न वदेत किंचित न ध्यायेत साध्वसाधुगा आत्मा रामो ने आवृत्तिया विचरे जलवन मुनि।
अब ये तो हुआ कि दूसरे लोग अच्छा बुरा करें या कहें तो उनकी निंदा स्तुति न करें। अब अपने बारे में देखो है, न गुर्यात न बदे चिंतित न ध्याये साधु साधुवा, न तो अच्छा बुरा करे, न अच्छा बुरा कहे और न अच्छा बुरा सोचे, स्वयं पाप पुण्य के चक्कर में न पड़े और स्वयं किसी को पापी पुण्यात्मा न कहे और स्वयं पापी पुण्यात्मा का ध्यान नहीं करे, ख्याल नहीं करे इसका। आत्मा रामो ने आवृत्तिया रहे का अकेले अपने में रहोगे, अपने परमात्मा में रमोगे कि दुनिया का ख्याल करोगे? ये अपने परमात्मा का जो आनंद है उसको छोड़ करके दुनिया का ख्याल करने के लिए क्यों जाते हो? अनयावृत्तिया विचरे जड़बंधि, जो ज्ञानी पुरुष है उसको कैसे विचरण करना चाहिए? बोले अनयावृत्तिया विचरे, इसी वृत्ति से वो विचरण करे, व्यवहार करे। तो उसको लोग बहुत समझदार न समझे, एक बात ये है, नहीं तो फंसाए बिना नहीं रहेंगे। समझदारी जो है, जब आदमी समझते हैं कि इनसे हमारा कोई काम बन जाएगा तब फंसा लेते हैं। तो जड़वत विचरे, सीढ़ी की तरह रहे, जड़ की तरह रहे, जिससे लोग समझे कि ये कोई मूर्ख है, कोई बेवकूफ है, इससे हमारा कोई काम बनने वाला नहीं है। वो आपने सुना होगा ना, एक महात्मा का दर्शन करने के लिए बहुत लोग जा रहे हैं। एक सज्जन के घर में तोता था, तोपक, उसने कहा कि महात्मा जी का दर्शन करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं? तो जरा उनसे पूछ के आना कि मैं इस बिजड़े के जेल खाने से कैसे छूटूंगा। बोले अच्छी बात है। अब गए, उन्होंने महात्मा जी से पूछ लिया तो महात्मा जी बेहोश होकर गिर पड़े, बोले कुछ नहीं। बोले अरे राम राम, ये तो बहुत जल्दी हुई, मैंने क्या पूछा। फिर होश में आए, फिर एक दिन दो दिन के बाद गए, फिर पूछ लिया कि हमारे तोते ने उस दिन ये बात पूछी थी तो आप बेहोश होकर गिर गए थे। फिर तुरंत प्रश्न सुनते ही बेहोश होकर गिर गए, फिर होश में लाए गए। अब उन्होंने आके अपने तोते को डांटा कि तुम क्या ऐसा प्रश्न करते हो कि महात्मा जी सुन के बेहोश हो जाते हैं। बोले बस हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। और दूसरे दिन वो तोता भी महाराज बेहोश होकर पिंजरे में गिर गया। जब बेहोश होकर पिंजरे में गिरा तो झट उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खोला, तोते को बाहर निकाला, उसके ऊपर पानी वानी छिड़कना शुरू किया, इतने में उसको दौड़ गया। जब तक मनुष्य समझता है ना कि ये हमारे काम का है, तब तक नहीं सोचता है। इसलिए मुक्त पुरुष संसार में कैसे रहे? बोले ऐसे रहे जैसे कुछ संसारी लोगों की बात समझता ही नहीं है। विचरे जडवन मुनि शवद ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णाया करे यदि श्रम सत्य श्रमपलो धीयधेनु रक्षत। बोले एक आदमी ने शब्द ब्रह्म में स्नान किया, स्नातक हो गया। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन गुरुकुल में रह करके करते हैं, जब संपूर्ण वेद वेदांग का अध्ययन पूरा हो जाता है तब स्नातक बनते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति ने शब्द ब्रह्म में, शब्द ब्रह्म माने वेद वेदांग शास्त्र पुराण सब में स्नातक की पदवी प्राप्त की, आचार्य हो गया है, लेकिन परब्रह्म में उसने स्नान नहीं किया, परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ। श्रोत्रिय तो हो गया लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं हुआ। बोले श्रम सत्य श्रम फलो, उसकी मेहनत का नतीजा क्या निकला? बोले मेहनत, परिश्रम से परिश्रम निकला। यदि कोई तो गधैया की रक्षा करे तो उसको क्या मिलेगा? स्वाधेनुरक्षित अधेनु माने धेनु व्यतिरिक्त, धेनु विरोधी पशु। इसका ऐसा भी अर्थ है कि पाना तो चाहे दूध, लेकिन बांध गाय की सेवा करो, बांध गाय की सेवा करो और पाना चाहो दूध, तो बांध गाय से दूध कहाँ से मिलेगा? इसलिए उसकी जो इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसी प्रकार केवल शास्त्र पढ़ करके जो लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, इनका वैसा चाहना बिल्कुल बेकार है। गाम दुग्ध दोहम असती भार्याम देहम पराधीन मसत प्रजाम चो दुष्टम स्वतीर्थी कृत मंगवाचम हीनाम मया रक्षति दुख दुखी। ये बात अनेक दृष्टांतों के द्वारा बताते हैं कि जब दूध गाय ऐसी हालत में पहुंच गई है जहां जाकर के दूध नहीं देती,
इस गाय को दूध पाने के लिए यदि कोई इसका पालन करता है और असती जो पत्नी है माने जिससे अपनी कामना पूर्ण नहीं हो सकती है, असती है, किलका है, दुष्टा है और देहम पराधीनम और ये शरीर जो है ये पराधीन माने प्रतिक्षण दुख ही दुख दे रहा है, बिल्कुल विलाम हो गया है और असत प्रजान का संतान ऐसी है जो अपने पिता माता की आज्ञा नहीं मानती है, जिससे न धर्म की सिद्धि होवे, न पिंडदान मिलने की आशा होवे और न तो इस लोक में सेवा करने वाला हो, ऐसा तो वो बेटा तो उसकी सेवा करने से उसकी रक्षा से क्या फायदा है। अतिर्थी कृतम वित्तम तो प्यारे उद्धव धन तो अपने पास बहुत हो और कोई खूब पात्र आ जाए सामने जिसको देना चाहिए, जिसके देने से उसका बहुत भला होता हो, धन तो हो गए लेकिन पात्र मिलने पर भी उसको न दे तो उस धन की रक्षा से क्या प्राप्त होता है। इसी प्रकार मनुष्य खूब बोल सकता हो, प्रवचन कर सकता हो, वाणी उसकी अच्छी हो, सुरीली हो, युक्ति युक्त हो, सब तरह से श्रेष्ठ हो गए लेकिन उस विषय के द्वारा परमात्मा का वर्णन न किया जाए तो उस जीव की रक्षा करना बिल्कुल दुख का हेतु है। तो दुख का अभिप्राय यह है कि अतिशय दुखी से भी ज्यादा दुखी कौन है जो परमात्मा के वर्णन से रहित वाणी की रक्षा करता है, पात्र को न दिया जाए ऐसे धन की रक्षा करता है, जो पुत्र लोक परलोक में काम न आवे उसी के मोह में फंसा हुआ है और वो शरीर जो अपने संकल्प के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति न कर सके बिल्कुल विषयों का गुलाम हो गया हो और वैसी पत्नी जो दुलका हो, दुष्टा हो, इसकी रक्षा करने वाला संसार में दुखी होता है। इसी प्रकार ये जो शास्त्र का ज्ञान है तब वो परमात्मा के ज्ञान के बिना बिल्कुल बाज है और उसको सुरक्षित रखने से कोई लाभ नहीं है। यस्याम न मे पावन मंग कर्म सिद्धिर्भव प्राण निरोधमस्य लीलावतारो स्थित जन्म वास्तवाद बंध्याम गिरंतम दुर्याम नधीरा। भगवान कहते हैं कि उद्धव जिस वाणी में मेरी पावन लीला का वर्णन, मेरे पावन कर्म का वर्णन नहीं है वो वाणी बंध्या है। पावन माने पवित्र करने वाला, जिसके श्रवण से हमारा हृदय पवित्र होता है। बोले भाई भगवान की वाणी में, भगवान की लीला में ऐसी क्या विशेषता, उनके कर्म में ऐसी क्या विशेषता है। बोले सिद्धोद्भव प्राण अनुरोधमस्य, ये जो सृष्टि दिखती है ये कैसे पैदा होती है और कैसे टिकी हुई है और किसमें लीन हो जाती है, यही तो भगवान का कर्म है ना, इसको बनाना, इसको पालना और इसको समेट लेना, ये भगवान का कर्म है। अगर ये तुम अपनी वाणी में धारण करो, हमेशा यही वर्णन करो कैसे भगवान एक से अनेक होते हैं और अनेक को समेट होकर के एक हो जाते हैं, कहीं राग द्वेष नहीं होगा, वो चित्त पवित्र हो जाएगा, यही तो पावन का है। अथवा लीलावतारे पित जन्म बात, भगवान जो लीलावतार ग्रहण करते हैं, रामावतार, कृष्णावतार, जो अनेक रूप धारण करते हैं भगवान, परम प्रेमास्पद जिसमें लोगों की मनोवृत्ति रम जाती है, वो जिस वाणी में न हो, क्योंकि वो वाणी आकर्षक वाणी है, चुंबक वाणी है। माने एक तो वाणी है संसार के विषयों की ओर से मन को खींच करके भगवान में ले जाने वाले, ये क्या है, कहिए कृष्ण वाणी है। वो कृष्ण माने आकर्षण करने वाली, आकर्षण, जो लोग बेतहाते दुनिया की ओर, संसार की ओर भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, उनको कह दे सर एक मिनट जरा तरीके से ये रासलीला तो सुनो, है ना, ये माखन तेरी तो सुनो, तो वो सुनेंगे तो सुन के खींच आएंगे, कहा भाई है तो कुछ सुनने लायक चीज है। तो बड़ी प्रेमास्पद है भगवान की लीला और फिर उसके बाद भगवान कैसे सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं ये सुनो, तो तुम्हारे चित्त में जो विषमता भरी हुई है, राग द्वेष भरा हुआ है, वो मिट जाएगा। तो भगवान के कर्म और लीला से बढ़ करके चित्त को शुद्ध करने वाली और कोई वस्तु नहीं है। एकांत में ध्यान करने से, जप करने से, पाठ करने से चित्त की उतनी शुद्धि नहीं होती है जितनी भगवान के लीला और कर्म की श्रवण के द्वारा होती है।
तो लीला ये दोनों चीजें जिसमें ना हो वो वाणी बाघ है। बंध्याम गिरमतम बिधरियाम न धी रहा। धीर पुरुष को चाहिए कि ऐसी जबान को तो रखते ही नहीं, वो रखने लायक नहीं है। उसको पाले, उसका पालन पोषण करने से, ऐसी बात बोलने से जिसमें संसार में कहीं प्रीति हो जाए, आसक्ति हो जाए, ऐसी बात बोलने से तो न बोलना अच्छा है, बोलना ही बंद कर दो। एवं जिज्ञासया पूज्य नाना भ्रमात्मनि उपार अमेत विरजम मनोमय्य सर्वगे। बस इस प्रकार ज्ञान मार्ग का उपसंहार करते हैं, समाप्त करते हैं उसको। इस प्रकार जिज्ञासा के द्वारा, जिज्ञासा माने महापुरुषों के पास जाकर के उनके द्वारा पूछ पूछ करके ईश्वर तत्व के एक एक रहस्य को समझना। तो कब समझना कि हमारी जिज्ञासा पूरी हो गई, ये अपनी अक्ल से ये काम नहीं चलता है, ये जा करके पूछना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसके द्वारा क्या हो कि आत्मा में नानात्व भ्रमम अपोज्य, ये अपने आप में आत्मा में जो नानात्व का भ्रम हो गया है कि ये बहुत से आत्मा है और परमात्मा अलग है और जगत सत्य है, ये सब ये जो नानाता का भ्रम है, इस नानात्व के भ्रम को, नानाता के भ्रम को ये जो काट दे और उपार अमित विरजम मनोमय्यर के सर्वगे, अपने निर्मल मन को मुझ सर्वात्मा के प्रति अर्पित करके फिर उपराम हो जाए, ये ज्ञान मार्ग का उपसंहार हुआ। अब बताते हैं आगे भक्ति मार्ग का वर्णन प्रारंभ करते हैं। यद्यनीतो भारयितुम मनोब्रह्मणि निश्चलम मयि कर्म सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षस्तमाचरो श्रद्धालुर्मे कथा श्रृण्वन सुभद्रा मेत पावनी गायन स्मरण कर्म जन्म काभिनयन यनीतो भारयितुम। भाई ये ब्रह्म जो है ये निर्गुण है, उसमें कोई विषय नहीं, शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं। निर्गुण शब्द का अर्थ होता है जिसमें कोई विषय नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध अशब्द स्पर्श मरूप मध्ययम, में बंधन न हो। गुण माने आवरण होता है, गुण माने आवरण होता है। कैसे कहिए, अपने लोग जो कपड़ा पहनते हैं ना, उसमें कहीं न कहीं बंधन लगाना पड़ता है, बंधन, चाहे वो बटन का हो, चाहे हुक का हो, चाहे सिलाई का हो, बंधन होगा, उसी को गुण बोलते हैं। कमर में जो करदनी है तो गुण है, उसका नाम गुण है। जो नीडी है, नारा जो है ना, वो गुण है। निर्गुण माने निरावरण, निर्बंध, निरावरण, बेपरक, बेपरक, बेबंधन, बेरक्षी जो तत्व है उसको बोलते हैं निर्गुण, निर्गुण ब्रह्म। और वो भी ब्रह्म कैसा बोले हम, बोले ऐसे ब्रह्म में अपने मन को निश्चल करके लगाना। बोले भाई तुम्हारा सामर्थ्य है, बहुत बढ़िया लगाओ, और नहीं है तो ईमानदारी से कबूल करो कि नहीं, हमारा मन जो है वो निर्गुण ब्रह्म में नहीं रखता है, दोष नहीं करना। गुरु से कपट और मित्र से चोरी, की हो निर्धन की हो चोरी, तो ये गांव की बात है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी। अगर तुम्हारा मन निर्गुण में लगता है तो कहो हाँ लगता है, और उसकी प्रक्रिया सीखो और उसमें अपने मन को लगाओ, और नहीं लगता है तो साफ साफ बताओ कि नहीं लगता है। जब नहीं लगता है तो क्या करना चाहिए, बोले मन में ऐसी योग्यता उत्पन्न करनी चाहिए जिससे मन लगने लग जाए। तो यद्यनि तो भारयितुम, तो यदि सचमुच तुम्हारा मन ब्रह्म में निश्चल हो करके लगता नहीं है तो बोले मई सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष समाचरो, बोले निरपेक्षा क्या छोड़ो, निरपेक्षा माने किसी वस्तु की अपेक्षा मत रखो, और सारे कर्म मेरे लिए, सारे कर्म मेरे लिए करो। मन भगवान मगर परिण कर्मणा विशुद्ध सत्वस्य अंतरंगाम भक्तिम आह, मई मदर परिणा भगवान के प्रति अपने सारे कर्म कर दो। हम जो कर्म करते हैं इसका फल हम अपने में नहीं चाहते हैं, भगवान में चाहते हैं। कोई कहे फिर हमको क्या मिलेगा, तो हम जो काम करते हैं तो सब उनके लिए। बोले तब तो हम रह गए संसन काल,
तो बहुत बढ़िया हुआ, तुम शुद्ध रह गए, शुद्ध हो गए। कर्म का जो मैल है वो तुम्हारे अंदर नहीं लगा, वो नहीं थे तो हमको संतोष नहीं है। तो देखो क्या बात है, जिस ईश्वर के लिए कर्म किया जाता है वो ईश्वर का कहीं सातवें आसमान में रहता है, वो तुम्हारे हृदय में ही तो रहता है ना। तो वो कर्म जब फलेगा, माने वो उस कर्म का फल जब ईश्वर के पास जाएगा और तुम्हारे दिल में रहने वाले ईश्वर के पास जाएगा, तो जब तुम्हारे दिल में रहने वाले ईश्वर को कर्म कर्म अर्पित होगा तो तुमको तो अपने हाथ ही मिल जाएगा। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया है, पंखा उसके लिए चलाओ। बोले देखो भाई, पंखा हम अपने लिए नहीं चलाते, मेहमान के लिए चलाते हैं, तो उसकी हवा तुमको लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ईश्वर तो तुम्हारे दिल में ही रहता है, तुम्हारे घर में ही रहता है ना। अच्छे कर्म करके, अच्छे कर्म करके जो सुख पैदा करोगे तुम और ईश्वर को अर्पित करोगे, वो ईश्वर तुम्हारे हृदय में बैठ करके तो उस सुख को भोगेगा, तो वो तो अपने आप तुमको मिल जाएगा। घर में ही पृथ्वी सुगंध फैला दी, बोले काहे के लिए, तो मेहमान के लिए। तो तुम्हारे नाक से नहीं जाती है, अरे तुम्हारे नाक से ही जाती है। इसीलिए ईश्वर को जो कुछ दी जाती है चीज, वो अपने आप को भी मिलती है ना। तो श्रद्धालु कथा श्रणवणि, जब अंतरंग जब ईश्वर को अर्पित करके कर्म करते हैं तब हृदय में श्रद्धा आती है। श्रद्धा लुर्मी कथा श्रृणवन सुभद्रा लोक पावनी गायन अनुस्मरण कर्म जन्म काभिनयन मुहुः। श्रद्धा के साथ हमारी कथा का श्रवण करे। अब ये उपाय बताते हैं कि मन जितने परमात्मा में प्रवेश करने लगे श्रद्धालु होकर से, जहां जाने से तुम्हारे मन में शंका पैदा होती हो, ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, गुरु के बारे में, मंत्र के बारे में, जहां जाने से शंका पैदा होती हो वहां नहीं जाना, क्योंकि शंका जो है, संशय जो है, वो चित्त की अशुद्धि है। और जहां जाने से श्रद्धा पैदा होती हो वहां जाना, क्योंकि हृदय में श्रद्धा का आना ही अंतःकरण की शुद्धि है। जहां जाने से छल आवे, जहां जाने से कपट आवे, जहां जाने से द्वेष आवे, जहां जाने से आसक्ति आवे, वहां नहीं जाना। श्रद्धालु मेरी कथा श्रवण, श्रद्धालु होकर मेरी कथा, भगवत संबंधी कथा का श्रवण करे। कथा कहती है कि सुभद्रा लोक पावनी, भगवान की कथा सुभद्रा है। सुभद्रा माने भगवान की बहन है, जैसे बहन भाई को मिला देती है, कोई किसी के भाई से मिलना चाहता हो और उसकी बहन से मिल ले तो बहन कहती है चलो चलो हम अपने भाई से मिला देते हैं, तो हमारे घर की चीज है, क्या हुआ। तो ये कथा जो है यही सुभद्रा है, सुभद्रा ये कृष्ण से मिलाने वाली है। वो जो मंत्र हम लोग पढ़ते हैं ना, भद्रम करणे ही श्रृणुयाम, हम अपने कान से भद्र का श्रवण करें, भद्रमति दातयमि मनः, हमारे मन को कल्याण से भर दे। तो ये भद्र तो धर्म की बात करे तो ये भी भद्र है ना, धर्म की बात करे तो भद्र है, लेकिन भक्ति की बात सुनो तो भद्र नहीं सुभद्र है। वो सुभद्र है, भक्ति की बात जो है वो सुभद्र है। और लोक पावनी ही, लोगों को पवित्र करने वाली, लोगों के सारी सृष्टि को पवित्र करने वाली है। तो इसमें क्या बात है, सुभद्रा माने फले में, जो कथा सुनने का फल मिलेगा वो भद्र स्वरूप जो परमात्मा है वो मिलेगा, और उसका जो साधन अवस्था जो उसकी है वो लोक पावन है। साधन से भी पवित्र है और फल से भी पवित्र है, इस दो बात के लिए सुभद्र माने, इसका फल उत्तम है, और लोक पावन ही माने, इसका साधन उत्तम है। लोक पावन मधभक्ति युक्त भुवनम पुनाति है ना। देखो क्या हुआ, तो मेरी भक्ति से युक्त जो पुरुष है वो भुवन को पवित्र करता है, भुवनम पुनाति माने अपने को पवित्र करता है, ये तो कहना ही क्या, चौदहों भुवन को पवित्र कर देता है। मधभक्ति युक्त भुवनम पुनाति समरो भव सागरम उद्धरति, वो मनुष्य अपना उद्धार करता है ये नहीं, भवसागर का उद्धार करता है। भवसागर का उद्धार करता है माने संसार सागर ही नहीं रहता है। तो ये लोक पावनी का अर्थ है, ये जो भगवान की कथा बोली जाती है,
ये केवल बोलने वाले के हृदय को नहीं पवित्र करती है, बोला केवल सुनने वाले के हृदय को पवित्र नहीं करती है, बल्कि वातावरण में जो कथा के शब्द व्याप्त होते हैं वो रेडियो के आवाज की तरह सारी दुनिया में भर जाते हैं और संपूर्ण सृष्टि को ही पवित्र बनाते हैं। गायन अनुस्मरण कर्मो जन्म का अभिनयन मुहि, भगवान के जन्म की कथा और कर्म की कथा इनका गान करे और सुनने वाला हो तो, और अनुस्मरण न हो तो कब स्मरण करे और सुनाने वाला हो तो कब सुने, और अभिनयन नाटक भी करे तो नाटक क्या करे, इसकी भी युक्ति है। क्या युक्ति है कि भक्त का नाटक तो खुद करे और भगवान का नाटक दूसरे से करे। जन्म विद्याभिनयन ये बात गीताकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात साफ कर दी है कि जब जब लीला करनी हो तो स्वयं भगवान बन करके नाटक न करे। भगवान तो बनाते किसी दूसरे को बैठा दे, बालक को भगवान बनाते बैठा दे, तुम भगवान के जन्म का अभिनय करो, कर्म का अभिनय करो, और स्वयं अम्बरीश आदि जो भक्त हैं उनका अभिनय स्वयं करे, स्वयं अम्बरीश बन करके भगवान की पूजा करे, भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये देखे। गायन अनुस्मरण कर्म जन्म का अभिनय मदर्थे धर्म कामार्थान आचरण मद आश्रय लभते निष्कलान भक्ति मयुद्धव सनातने। जो कुछ धर्म करे तो भगवान के लिए, इससे भगवान सुखी हो, भगवान स्वस्थ हो, उनको मिले, इस धर्म का फल हमको न मिले उनको मिले, उन्हीं को आशीर्वाद दे। तो बेटा तुमको है ना खूब रोज माखन मिश्री खाने को मिले, खूब राहत लीला करो, खूब दूध पियो, ऐसे मदर से धर्म का अमार्थान इस धर्म का फल, इस धर्म का फल हमारे ईश्वर को मिले। और काम काम माने जो भोग है तो बोले भोग कपड़ा ले आवे अपने लिए नहीं, बोले ठाकुर जी को पहनाने के लिए ले आए, और ठाकुर जी को ले आकर के पहनाया, उनको सामने रखा, नैवेद्य कर दिया। और उसके बाद महाराज इसका भी एक प्रसंग आएगा आगे कि भगवान को भोग लगा करके चीज जो है वो स्वयं को नहीं देनी चाहिए, तो वो क्या है, ये स्थावर संपत्ति के संबंध में है। मैंने जैसे एक पेड़ भगवान के लिए कर दिया कि भगवान का, एक धरती कर दी कि भगवान के लिए है, और उसके बाद फिर उस धरती को अपने काम में लेने लग गए, पेड़ का फल खुद खाने लग गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और खाने पीने की चीज जो भगवान के सामने भोग लगाऊं, वो भोग लगने के बात करके घर में पानी के खानी चाहिए हो, स्वयं ये नहीं कि सारा प्रसाद हमें खा जाएंगे, घर के सब लोगों को भी देना और नौकरों को भी देना, और पास पड़ोस का कोई उस समय आ जाए घर में तो उसको भी देना, ये नहीं कि भोग लगा दिया और उसके बाद खा लिया। तो वो तो एक भगवान पर ऐसा नहीं हुआ कि हमने तुमको भोग लगाया अच्छा, और धर्म काम अर्थान अर्थ भी, अर्थ माने जो धन आया, तो भी धन आया घर में तो भगवान के सामने रख दिया ये आपका, इसके बाद प्रसाद के रूप में इसका व्यवहार करना, तब भगवान का प्रसाद अपने काम में आवे तो दूसरे के काम में आवे तो दुख नहीं होगा। बोले भाई सब तो भगवान को चढ़ा देंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, बोले भरोसा पे रखो, मद आश्रय विश्वास भगवान का रखो, वो तुम्हारा, वो तुम्हें भूखे नहीं रखेंगे, वो तुम्हें नंगे नहीं रखेंगे, वो तुम्हारी सारी चिंता अपने पर ले लेंगे। लगते निश्चलाम भक्तिम मयुद्धव सनातने, जो इस प्रकार धर्म अर्थ काम तीनों भगवान को अर्पित करके भगवान पर विश्वास करके रहता है उसको निश्चल भक्ति की प्राप्ति होती है। इसके प्रति बोले श्री कृष्ण बताते हैं कि उद्धव मुझ सनातन ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति होती है, माने मेरे प्रति भक्ति होती है, मैं सनातन ईश्वर हूँ। सत्संग लभ्या भक्तिया मयुमान समुपासिता स्वयं दर्शितम तभी अंजसा बिंदते पदम। अब बताते हैं इस प्रकार ये भक्ति मिलती कैसे है, तो मिलती है सत्संग से, जब भक्त का संग करो तब भक्ति मिलेगी। जैसे धन कहाँ मिलेगा, ये धन से मिलेगा, गरीब से तो नहीं मिलेगा,
जो धनी के घर धन मांगने जाता है उसके धन में नहीं मिलेगा, जो देने वाला है उसको मिलेगा। तो भाई भक्ति कहाँ मिलेगी? भगवान से मिलेगी। तब भगवान तो सब भक्तों के घर घर में जाते हैं कि ये भगत राज हमको थोड़ी भक्ति दो, हमको थोड़ी भक्ति दो, हमारी भक्ति करो। उनके पास होती तो मांगने काहे को जाते। तब तो जिसके पास भक्ति की पूंजी है वो भक्त भक्ति देता है, सत्संग से भक्ति मिलती है। अब सत्संग से जब भक्ति मिलती है तब क्या होता है? सच्चा भक्तो माम उपासिता। जब भक्ति मिलती है तब वो भक्त मेरी उपासना करने लगता है। कहाँ उपास? जब मुझ में भक्ति मिलती है तब वो मेरी उपासना करता है। और फिर सदैव दर्शितम पद ही अंजता बिंद के पदम। फिर तो सत्संग लोग, सत्संग लोग जो है वो मेरे स्वरूप को लिखा देते हैं। वो कहते हैं भगवान ऐसा, भगवान ऐसा, भगवान ऐसा, भगवान ये ऐसी करके बता देते हैं। और जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, अगर तब तक कोई संत बताए देने कि ये भगवान है तो क्या होगा? तुम्हारा विश्वास ही नहीं होगा। तो पता नहीं बाबा ये है कि नहीं है। तो कहीं कोई देवता न हो, कहीं कोई ठगी न हो, कोई इतनी माया न हो, जादू न हो। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, श्रद्धा से भरपूर होगा, तब संत लोग जो है वो दिखाई देंगे। और फिर तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के बाद कोई शंका तो शंका रहती ही नहीं है। उद्धव उवाच साधु सवोत्तम श्लोक मत की दृग विधा प्रभो भक्तिस्वयुत युद्धे तो ईदृशी सदभिराद्रता एकल में पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत प्रभो प्रणतायानुरक्ताय प्रपन्नायत सत्यताम त्वाम ब्रह्म परमं येन पुरुष प्रकृते परः अवतीर्णोऽपि भगवन् शोकास्तो पृथक् गतिः। उद्धव जी ने कहा कि महाराज साधु कैसा होता है? माने भक्त का क्या लक्षण है? बोले बाबा भक्त के तो बहुत सारे लक्षण हैं। तुलसी की माला पहने और चंदन ऐसा लगावे और कपड़ा ऐसा पहने, दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। बोले नहीं नहीं, हम दूसरों की बात नहीं पूछते। सर्वस्वी दृग विधो मतः, तुम्हारे मत में भक्त का क्या लक्षण है? भक्त की पहचान भगत के बताने से ठीक नहीं मिलती है, भगत की पहचान भगवान के बताने से मिलती है। क्योंकि अपने प्रेमी सेवक को भगवान पहचानते हैं। साधु सर्वोत्तम श्लोक मत के दृग विधा प्रभो हे उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक माने जिसका यश बड़ा उत्तम है, श्लोक माने यश। और उत्तम लोग जिसके यश का गान करते हैं, जो स्वयं प्रभु सर्व समर्थ है। तो प्रभु तुम ही बताओ कि तुम्हारी दृष्टि से भक्त कैसा होता है? भक्त स्वयं युद्धे तो विदृषि सदभिराद्रता। और वैसे तो संत लोग भक्ति का बहुत वर्णन करते हैं। कोई कहे जप करो तो भक्ति है, तप करो तो भक्ति है, पूजा करो तो भक्ति है। तुम अपनी भक्ति को कैसी सेवा से ही करे, तुम्हारी कैसी भक्ति को ही करे, तो तुम उससे अपनी भक्ति मांगते हो। कैसी भक्ति का तुम्हारे प्रति उपयोग होता है और संत लोग भी आदर करते हैं। तो हे पुरुषाध्यक्ष, हे लोकाध्यक्ष, हे जगत प्रभु, हे जीवों के स्वामी, हे चौदह जीवनों के स्वामी और हे संपूर्ण जगत के स्वामी श्री कृष्ण, आप कृपा करके मुझे ये बताइए। तो बोले भाई मुझसे तुम क्यों पूछना चाहते हो? तुम्हारे अंदर भी तो कोई विशेषता होनी चाहिए ना, हमको बताओ। क्यों बताओ तुमको? मेरे प्रणताया निरक्ताया प्रपन्ना यज्ञ कथ्यता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर रखे हुए हूँ, विनयी हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ तुमको। बोले बस जो प्रणाम करे उसी को अपने भक्त और भक्ति की पहचान बता दे। बोले ना महाराज, केवल बाहरी विनय में अनुरक्ताय, हृदय में तुम्हारे प्रति अनुराग भी है। का अच्छा, अनुराग तो मुझसे होवे और शरणागति किसी दूसरे की होवे, है ना? और शरणागति दूसरे की होवे, और शरणागति मेरी होवे और अनुराग दूसरे को होवे, तब भी भक्ति नहीं बनती है। एक आदमी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, लेकिन वो जा करके राजा के शरणागत हुआ, महाराज हमें एक मकान दे दो, हमारे भोजन का बंदोबस्त कर दो, हमारी पत्नी को ये चीज चाहिए है,
तो हम आपकी जिंदगी भर सेवा करेंगे, हमारी पत्नी की जो ये इच्छा तुम पूरी कर दे। ये क्या हुआ? देखो शरणागति तो इन राजा की और प्रेम किससे हुआ? पत्नी से। क्योंकि वो राजा को भी एक प्रकार से अपनी पत्नी की सेवा में लगाना चाहता है कि उसको सुख पहुंचाने के लिए तुम ये दो। अब भगवान कहते हैं शरणागत है, बोले हम तो तुम्हारे शरणागत है, तुम्हारे भक्त है, दिन रात तुम्हारी सेवा करते हैं। बोले अनुराग तुम्हारा किससे है? कब भाई हमारा अनुराग तो किसी दूसरे से है। अच्छा सेवा करो, तनख्वाह लो और जिससे अनुराग है उससे दे आया करो। तुम्हारी सेवा का फल है तनख्वाह, जिससे प्रेम है उसे दे आया करो। ये बात है भाई। बोले नहीं महाराज, हमारा प्रेम तो आपके ही है। तो बोले फिर शरणागत किसके हो? शरणागत दूसरे के हैं और प्रेम तुमसे है। चले ये बात भी नहीं बनी। भक्ति तब होती है जब जिसकी शरणागति इसी से प्रेम और जिससे प्रेम इसी की शरणागति, ये दो व्यक्ति इस बीच में नहीं होने चाहिए। तो उद्धव जी ने बताया कि मैं अनुरागी भी हूँ, शरणागत भी हूँ, विनयी भी हूँ, इसलिए आप मुझे बताइए। ये क्या है? ये श्रोता की योग्यता है। मन ऐसा श्रोता हो है तब इससे कोई रहस्य की बात बताना। त्वं ब्रह्म परमं व्योमो पुरुष प्रकृते पर अवतीर्णो भगवन को पाप पृथक बपुही। उद्धव जी ने कहा कि श्री कृष्ण तुम ही परम ब्रह्म हो और व्योम की तरह आकाश की तरह असंग हो और तुम ही प्रकृति से परे पुरुष हो और भगवन एक पाप पृथक बपुहु अपने भक्तों की इच्छा से अलग शरीर धारण करके प्रकट हुए हो। असल में तुम ब्रह्म ही हो, ये शरीर का अलगाव काहे के लिए? तो क्यों जुदा अलग है? अब ये जो निराकारी हुई है या वेदांती हुई है या ईश्वर के प्रेम से रहित होंगे, वो कहेंगे कि तुम अपना ब्रह्म छोड़ करके व्यक्ति बन करके हमारे सामने क्यों आए? ऐसे जैसे कोई बद्रीनाथ के यहां महात्मा आ रहे हैं तो बम्बई में जो महात्मा का प्रेमी होगा वो तो कहेगा आपने बड़ी कृपा की हमको कृतार्थ करने के लिए आए, और जो महात्मा का प्रेमी नहीं होगा वो क्या कहेगा? तो तुम बद्रीनाथ छोड़ करके बम्बई में क्यों आए? तुरंत बैरंग लौट जाओ यहां से। तो अब ये कहो कि वो बद्रीनाथ जाके महात्मा जी का सत्संग करेगा? तो नहीं, वो बद्रीनाथ जाके भी महात्मा जी का सत्संग नहीं करेगा और यहां आने पर कहेगा कि तुम क्यों आए। और बोले भाई अब जो निराकारी होगा वो क्या कहेगा कि तुमको तो ब्रह्म ही रहना चाहिए था, तुम साकार आके हमारी आंख के सामने क्यों आए? हमारी आंख खराब थी तुम्हें, क्यों आई हमारी आंख के सामने? तो पृथक बपू का अर्थ है अपने भक्तों पर, अपने भक्तों पर कृपा करके ब्रह्म होने पर भी अपने शरीर का अलगाव दिखाते हैं भगवान और उनके सामने प्रकट होकर के उनके प्रेम को, सेवा को, भक्ति को स्वीकार करते हैं। उद्धव जी कहते हैं इसीलिए तुम आए हो। श्री भगवान बाच कृपाल कृतद्रोहा सर्वदेनाम सत्य सारो नवद्य आत्मा सम सर्वोपकार कामई रहत धीरबांतो मृदु स्तुतिर किंचन अनीहो मृत भिक्षांत फिरो मत्णो मुनि अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमांजित सद्गुण अमानी मानव कल को मैत्र कारुणिक कवि ही। अब भगवान अपने भक्त की पहचान बताते हैं। एक बात तो है कि सारे भागवत में ये बात नहीं लिखी है कि कैसा चंदन लगाए हो आदमी तो उसको हमारा भक्त समझना, सारे भागवत में कहीं नहीं हो कि चंदन पड़ा हो कि पड़ा हो। दो तरह का चंदन होता है ना, जो ललाट पर होता है ऐसे चंदन वो पड़ा चंदन होता है और जो सीधे होता है वो खड़ा चंदन होता है। तो भगवान ये नहीं कहते हैं कि कड़ा चंदन हमारी भक्ति का लक्षण है कि कड़ा चंदन, दोनों में कुछ नहीं। तो फिर जब क्यों दो तो नहीं, तब उन्हें ऐसा कपड़ा कैसा हो तो भक्त पीला की लाल की सफेद कुछ नहीं था, बिल्कुल कपड़े का वर्णन सही नहीं है। तो हाथ में गंध हो कि न हो, गले में गले हो कि न हो, मुझी मेखला हो कि न हो, कमंडल हो कि बर्तन हो, कहीं सब दांतों से का भक्त के साथ कोई संबंध नहीं है। तो तब भक्त कहता हो तो देखो भक्ति रहती है हृदय में, भक्ति भक्ति काम में नहीं रहती हो, हड्डी में नहीं रहती, मांस में नहीं रहती, भक्ति भाव है और वो रहती है हृदय में।
तो हृदय में जिसकी कृपा है कृपालु ही, जो हृदय में कृपालु है उसके हृदय में भक्ति है, वो भक्त है। कृपालु माने दूसरे का दुख देख करके जिसको सहन न हो, अपना दुख तो चाहे जितना हो पहले लेकिन दूसरे का दुख जिससे सहन न हो, अच्छा उसका नाम कृपालु। अकृतद्रोह सर्वदेहिनाम, और किसी भी प्राणी के प्रति द्रोह न करे। सर्वदेहिनाम का संबंध यहाँ है क्योंकि द्रोह माने आग, दिल में जो आग जलती है ना किसी के लिए इनको भस्म कर देंगे, उसका नाम द्रोह है। दूसरे को भस्म करने के लिए दिल में जलने वाली आग का नाम द्रोह है। तो अगर तुम्हारे दिल में आग जलेगी तो भगवान कैसे रहेंगे? भगवान तो कमल पर रहते हैं, है ना? अपने बाप का घर छोड़ के ससुराल में रहने वाले है ना? शंकर जी भी देखो ना कहाँ रहते हैं, कैलाश में हिमालय की बेटी से ब्याह किया वही रहते हैं, तो बड़ी ठंडी है, अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? बोले कमल पर रहते हैं। विष्णु जी कहाँ रहते हैं? तो क्षीर सागर में लक्ष्मी का निवास, वहां रहते हैं। तो ये कोमल कोमल जगह, इनको ठंडी जगह चाहिए इनको रहने के लिए, और तुम हृदय में अपने द्रोह की आग जला के रखोगे तो वहां भगवान का दर्शन होगा? तो नहीं। अत्र तक द्रोहा तितिक्षु माने क्षमा मान, कोई अगर अपना अपराध करे तो उसको क्षमा कर देना। सत्य सारो अनुवद्य आत्मा समस्तर्वोपकारका, सत्य का बल अपने पक्ष में रखना। हमारे पक्ष में क्या बल है? बोले सत्य का बल है। और अनवद्य आत्मा, किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं करना, किसी के गुण में दोष नहीं निकालना। अनवद्य आत्मा अपने अंतकरण को निष्पाप रखना। सबसे बड़ा पाप यही है, दूसरे के प्रति अपने हृदय में दोष दृष्टि रखना। महाभारत में ये प्रसंग आया हुआ है, यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु पापकम कर्मणा मनसा वाचा स धर्मम वेद जागले। धर्म का रहस्य कौन समझता है? जो संसार में किसी भी प्राणी को कर्म से मन से वाणी से न पापी समझता है, न पापी कहता है, न पापी समझ करके उसके साथ व्यवहार करता है, ये पाप अलग रहो अलग रहो पापी है, लोग मन में चिल्ला रहा है पापी है पापी है, मन में ग्लानि कर रहा है पापी है पापी है, असल में पापी सर्वत्र पाप माफी करते। जिसके हृदय में पाप का निवास है, जो खुद पापी है वो दूसरे को पापी देखता है। तो अपने दिल में पापी को नहीं बताना, ये है अनवद्य आत्मा का अर्थ है पापाकार वृत्ति। कुमारी भट्ट ने बहुत बढ़िया भारतीय इसके संबंध में कहा है, निश्चते गरत होती स्वस्मिन धार्य खत्म भवे। जिस चीज को तुम दूसरे में नहीं देखना चाहते हो, कहते हो कि ये पापी आदमी गांव में नहीं रहना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, ये पापी आदमी इस गांव में नहीं रहना चाहिए। बोले गांव में से तो तुम उसको हटाना चाहते हो और याद करके अपने दिल में उसको बसाना चाहते हो, ये कौन सी बुद्धिमानी है? अरे यहां तो मत करो भाई उसको, अपने दिल में से कम दिल में तो मत ले आओ उसको। काम कम अनवद्य आत्मा सम सर्वोपकार कहा, सम माने सबके प्रति समता का बर्ताव करो, सुख दुख में सम रहो, हर्ष विषाद को अपने जीवन में मत ले आओ, और जहां तक हो सके सबकी भलाई करो। ये शरीर प्राप्त करने का यही इतना फल है कि जब तक ये शरीर रहे इसके द्वारा कुछ दूसरों को सुख मिल जाए, कुछ दूसरों का भला हो जाए, दूसरों को दो रोटी दे दें और दूसरों के मन में कोई तकलीफ हो तो समझाए बुझाए तो उसको दूर कर दें। सर्वे सभा दानस्य कलाम नारहंति तुलसी, बताया संसार में अन्न दान है, संसार में धन दान है, संसार में वस्त्र दान है, दान तो बहुत सारे हैं लेकिन अभय दान के बराबर संसार में दूसरा कोई दान नहीं है। यदि किसी के मन में भय समाया हुआ हो तो उस भय को हटा करके उसको निर्भय कर देना, अविद्या के भय से बंधन के भय से भी
मुक्त कर देना, स्वर्ग नरक के भय से मुक्त कर देना, पुनर्जन्म के भय से मुक्त कर देना। यदि मनुष्य के मन में किसी प्रकार का भय समाया हुआ हो तो उस भय से उसको छुड़ा देना, ये सबसे बड़ा उपकार है। कामई रहत धीरदान्ते मृदु स्थिति रति रतिंचना। ये संसार के जो विषय आते हैं ये बुद्धि को घायल कर देते हैं। जैसे देखो, जब किसी को चोट लगती है तब आदमी क्या करता है, छटपटाने लगता है। चोट लगे तो क्या हो, आदमी छटपटाता है। तो जब संसार के विषय हमारे सामने आते हैं तो हमारी बुद्धि छटपटाने लगती है। तो ये जो बुद्धि का छटपटाना है ये बिना घायल हुए कैसे होगा। तो ये संसार के विषय रहते तो हैं बाहर, लेकिन घायल कर देते हैं भीतर रहने वाली बुद्धि को। तो भक्त वो है जिसकी बुद्धि बाहर के विषयों से घायल नहीं होती। और दांत माने जिसने बाहर की इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। और मृदु माने जिसका स्वभाव कोमल है, जिसका चित्त कठिन नहीं है। स्थिति माने सदाचारी है, पवित्र है। अकिंचन माने ऐसी कोई पोटली तिजोरी बकास कमरा उसके पास नहीं है कि कोई पूछे कि इसके भीतर क्या रखा हुआ है। अकिंचन इदम किमिति प्रश्न योग्यम धनम नास्ति यस्य अकिंचन। ये क्या है बाबा जी, ये पूछने लायक कोई थैली उसके पास नहीं है, उसका नाम है अकिंचन। अनुहे मृतभुक् शांत सिरो मच्छरणो मुनि। अनिल माने उसकी आंख चंचल नहीं है और उसके हाथ पांव चंचल नहीं है। जहाँ बैठा है भगवान का ध्यान करके स्थिरता से बैठा है। मितभुक, मितभुक माने लघु भोजन करता है, हल्का भोजन करता है। और शांत अंतकरण में शांति रहती है। और स्थिर अपने धर्म में स्थिर है। मच्छरण अपना घर केवल भगवान को मानते। चरण माने घर होता है। तब तुम्हारा घर कहाँ है, बोले अपने अमुक गांव में है, अमुक प्रांत में, अमुक देश में है, अमुक ऐसा पक्का है, ऊंच का है, चूने का है, मिट्टी का है, कनई नहीं। मत करना, हमारा घर तो भगवान ही है। बस संसार में से सब जगह से लौट करके जहाँ आ जाओ उसी का नाम तो घर होता है ना। सारे शहर में घूम आए, लौट के कहाँ आए, बोले अपने घर में आए। तो बोले मणि राम है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, सारे संसार में घूम के लौट के कहाँ आई, तब बोले परमात्मा में आ गई, आ तो वहां बैठ गए। ये भक्त का लक्षण है। भक्त के मन और इंद्रियों का निवास स्थान परमात्मा है, इसीलिए उसको मच्छरण बोलते हैं। मुनि मुनि माने मननशील है, ये भक्त का लक्षण है। अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमान जित सद्गुण, कभी प्रमाद नहीं करता है। उसका मन बड़ा गंभीर है, माने निर्विकार है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी क्रोध आ गया, जल्दी काम आ गया, जल्दी लोग, बड़ी गहराई में डूबा हुआ रहता है। धृतिमान, धृतिमान माने विपत्ति पड़ने पर भी वो कृपण नहीं होता, कंजूस नहीं होता। जित सद्गुण, दुख प्यास शोक मोह बुढ़ापा मृत्यु इनका उसको कोई डर नहीं है। अमानी स्वयं मान नहीं चाहता है, लेकिन दूसरों को मान देता है। अमानी मानदः, यही भगवान का लक्षण है। अमानी मानदो मान्यः, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का नाम है। अमानी स्वयं अपने लिए मान नहीं चाहते हैं। जैसे महाराज ये बड़े आदमी लोग जो ऊंचे अधिकारी होते हैं ना, तो वो उनको कहीं जाना होता है तो उनका पहले सेक्रेटरी जाता है और जाके देख लेता है बैठने की जगह कैसी बनी है, कितनी ऊंची है, कितनी सुविधा है, स्वागत सत्कार की क्या तैयारी है। तब ये बड़े लोग जाते हैं। महाराज महात्मा लोग भी ऐसे जाते हैं, उनका सेक्रेटरी पहले जाता है और महाराज फीते से नापता है किसका आसन कितना ऊंचा, किसका आसन कितना नीचा, सिंहासन किसका कैसा है। किराए का छत्र महाराज, किराए का छत्र और किराए का सिंहासन और ऊंचाई के लिए महाराज बड़ी भारी लड़ाई। बोले भक्त उसको नहीं बोलते, भगवान का भक्त वो है जिसको मान नहीं है, मान नहीं। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज कासगंज गए, बड़ा मजा आया। कासगंज एक कस्बा है उत्तर प्रदेश में, बड़े भक्तों ने बुलाया था बड़े आनंद से, तो चौकी उनके लिए दिखाई थी बैठने के लिए।
तो गए हैं वो, ये कहीं चौकी थी उस पर बैठ गए। फिर दूसरे जितने लोग आवे अब सबके नीचे बैठना पड़े, तो आर्य समाजी लोग आए बोले कि बाबा तुम्हारे अंदर क्या ऐसी विशेषताएं तुम कर बैठे हो, हम लोग नीचे तुम ऊपर को। तो बाबा बोले कि हाँ भाई ये बात तो ठीक है, लो हम नीचे बैठते हैं तुम्हारे साथ। तो चौकी पर से उतर गए, उनके साथ बैठ गए धरती पर। अब धरती पर बैठ गए तो सनातन धर्मी लोग थे, बोले कि नहीं ऐसे नहीं करने देंगे, हम तो ऊपर बैठाएंगे। अब वो लड़ने लगे तो लो भाई लड़ते हो तो ऊपर बैठ जाते हैं, है ना। अब कई बार वो कहे ऊपर बैठो तो ऊपर बैठ गए, वो कहे नीचे बैठो तो नीचे बैठ गए। एक बार तो ऐसा हुआ विलक्षण, दिल्ली गए थे पैदल ही चलते थे, तो एक गरीब आदमी ने कहा कि हमारे घर भोजन करने चलो। अब उसके पास मकान तो था नहीं, किराए पर एक बड़े सेठ के घर में रहता था। अब बाबा 5-4 मील पैदल चल करके उसके घर भोजन करने गए। भोजन करने गए तो बड़े आदमी का जो दरवान था उसने कह दिया कि हम साधुओं को घर के भीतर नहीं जाने देंगे, और रोक दिया। तो लौट पड़े। अब लौट पड़े तो फिर वो रोता हुआ दौड़ता आया कि बाबा लौटो मत ठहरो। अच्छा तो ठहर गए। हम जाके वो बड़े आदमी से कहते हैं, जाके बड़े आदमी से कहा तो उसने भी मना कर दिया। तो फिर लौट गए। जब फिर लौटे तो उसने कहा नहीं नहीं हमारी बात तो उन्होंने नहीं मानी, हमारे पड़ोसी की मान लेंगे, हम उसको बुला के ले आते हैं, कैसे नहीं मानेंगे। अब 10-15 दफे बाबा तो वहां से लौटे, फिर रोक के वो ले आए, फिर लौट के जाए, फिर ले आए। जब वो जाके रोए तो लौट जाने के क्या चलते हैं, जब दरवान मना कर दे तो फिर वहां से लौट जाए। तो ये जो महात्मा लोग होते हैं उनको अपने परिच्छिन्न शरीर का मैं पना नहीं होता है, उनके अंदर अभिमान नहीं होता है। एक बार मैं यहाँ आया था मुंबई में, बड़े पत्र के मरवाने इकट्ठे हो गए महाराज यहाँ, जब कर्पात्री जी महाराज का यज्ञ हुआ था मेरे ड्राइव में, जब की बात है तो ये कालरा देवी में मैं केस के घर में बैठा हुआ था, निकली सवारी, बोला कि महाराज ये सिंहासन और छत्र से अगर ये लोग बड़े हो जाते हों तो हम तो बस बनवा के रख दें, है ना। अगर इसी से महात्मा पना बड़प्पन आता हो तो हम बचपन वहां के रख दें, इसमें क्या बड़प्पन है। महात्मा की विशेषता बड़प्पन जो है वो सांसारिक बड़प्पन से विलक्षण होता है। संसारी लोग उनके 25 मकान हो गए तो बड़े हो गए, और साधु तब बड़ा होगा जब उसके एक भी मकान नहीं होगा, है ना। संसारी लोग तब बड़े होंगे जब उनके पास करोड़ रुपया होगा, और साधु बड़ा तब होगा जब उसके पास एक पैसा नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल उल्टी बात है ना। अमानी साधु का स्वरूप है अमानी होना, और दूसरे को सम्मान देना। कल्पा माने जो अपनी बात को ठीक ठीक दूसरे को समझाने में समर्थ हो, निपुण हो। मैत्र सबके प्रति स्नेह करे। कारुणिका केवल करुणा से प्रवृत्त हो, इस प्राणी का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, उसके मन में कोई स्वार्थ कोई दृष्ट अदृष्ट का लोभ नहीं हो गए। ज्ञान तो ये होता है जो अदृष्ट को और दृष्ट को दोनों को मिथ्या जानता है, और भक्त वो होता है जो अदृष्ट और दृष्ट दोनों को भगवान की लीला जानता है। तो इस प्रकार जो है कवि है माने भली भांति उसके ज्ञान है, ऐसा जो है उसके साधु बोलते हैं। आज्ञा एवं गुणान दोषान मया दुष्टान अदुष्टान धर्मान संसिद्ध करवान माम भजे तो सप्तम। भगवान बताते हैं सबसे बड़ा भक्त कौन, तो सबसे बड़ा भक्त वो कि उसको मालूम है कि यदि हम अपने धर्म का यज्ञ का दान का व्रत का अनुष्ठान करेंगे तो उससे गुण होगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, ये भी ठीक है, तो हमको चाहिए नहीं, और अंतःकरण शुद्ध होगा, ये भी मालूम है कि यदि हम धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि होगी, और यदि अपने धर्म का त्याग कर देंगे तो अंतःकरण अशुद्ध हो जाएगा, और ये भी मालूम है कि मनु आदि के रूप में भगवान ने ही धर्म का उपदेश किया है, फिर भी धर्म पर आस्था न रख करके कि हम करेंगे तो हमारा कल्याण होगा और हम करेंगे तो हमारा पतन होगा, ये जानता हुआ भी कि धर्म का फल उत्थान है और अधर्म का फल पतन है, धर्म का फल अंतकरण की शुद्धि है, अधर्म का फल अंतकरण की अशुद्धि है, इस बात को जानता हुआ भी वो धर्म अधर्म की तरफ ध्यान नहीं देता है, बल्कि सब धर्मों को छोड़ करके केवल भक्ति का आदर करता है। धर्मान संतेज्य सर्वान माम भजे तो सप्तम, सब धर्मों का परित्याग करके बोले हमारा कोई धर्म नहीं है भाई, हमारा धर्म जप नहीं है, हमारा धर्म तप नहीं है, हमारा धर्म पाठ नहीं है, हमारा धर्म व्रत नहीं है, तब तक तुम्हारा क्या धर्म है।
बोले भगवान की सेवा का हमारा धर्म है। बस हमारे को सुख स्वार्थ परिहर करिहौ कोई जही साहिबही सुहाऊंगो। हमको तो भगवान की सेवा करने से मतलब है, हमें तो भगवान की सेवा करने से मतलब है। वो रोटी बनवावे तो रोटी बनवावे, पांव दबावे तो पांव दबावे, वो झाड़ू लगावे तो झाड़ू लगावे, वो जो काम करावे जैसी जा भेसा मारा साई रीधे, कोई भेस धरूंगी माई मैं तो बैरागी में होंगी। बोलते हैं ना तो जा भेसा मारा साई रीधे, कोई भेस धरूंगी। भक्त का ये लक्षण है कि उसको अपने धर्म अपने अधर्म के साथ उसका संबंध नहीं है, है ना। अधर्म से वो नरक में भी जाए और धर्म से वो स्वर्ग में भी जाए इसकी कोई परवाह नहीं, तो उसको तो उसका मालिक जो उसका स्वामी है वो प्रसन्न होना चाहिए। इस ढंग से जो भगवान की भक्ति में लगा है उसको सप्तम मन साधुओं में सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं। ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ देवैमाम जावाम जस्यास्मि जागृतः भजन्त्यनन्य भावेन ते मे भक्त तमामताः। तो बोले भाई जानकर भजे, तो बोले चाहे जानकर भजे चाहे अनजान कर भजे, सेवा करने में तो चाहे किसी की सेवा करो, तो एक बड़ का पेड़ है पीपल का पेड़ है ना, चाहे बबूल का पेड़ है समझो, एक आदमी रोज लाए करके उसमें पानी डालता है और उसका खाना बनाए करके उसको खोदता है और वहां सफाई करके रखता है, उस वृक्ष को पाला न लगे गर्मी न लगे इसका बंदोबस्त करता है। तो बोले कि बबूल की सेवा करने से क्या लाभ हुआ? बोले बबूल की सेवा करने से बबूल को तो जो लाभ हो कि नहीं हो, है ना, ये जो उसको पानी लाने की आदत पड़ी वो जो जहां फल मिलता आम की सेवा करता तो ये आशा होती कि इसमें से आम मिलेगा बबूल की सेवा की, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ उसके मन में सेवा की भावना तो आई, उसके मन में श्रद्धा तो आई, उसके जीवन में परिश्रम का अभ्यास तो हुआ ना। सेवा से सेव्य का लाभ होता है, ऐसा जो सोचता है वो सेवक अपने स्वामी के स्वभाव को नहीं समझता है। हम सेवा करेंगे तो हमारे मालिक का स्वार्थ सिद्ध होगा, वो मालिक के स्वभाव को नहीं समझता है। जो कहता है हम सेवा सेवा करेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारा जीवन सुधर जाएगा, हमारे हाथ पांव पवित्र हो जाएंगे, सेवा का लाभ सेवक को मिलता है, सेवा का लाभ सूर्य को नहीं मिलता। ये सेवा का जो रहस्य है इसको जो जानता है तो उसमें जानने न जानने का तो सवाल ही नहीं है। चाहे बारम्बार जान करके ज्ञातवा 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 मन और जानते जाओ और सेवा करते जाओ, जितनी जितनी सेवा करोगे उतना उतना जानोगे और जितना जितना जानोगे उतनी उतनी सेवा करोगे, और चाहे जानो और चाहे मत जानो कि भगवान कितने बड़े हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान क्या हैं, इनमें क्या गुण हैं, क्या धर्म हैं, क्या स्वभाव हैं, इसका पता हो चाहे न हो अनन्य भाव से जो भजन करता है वो भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। इस तरह से साधु का लक्षण बताए करके अब भक्ति का लक्षण बताते हैं तो किस तरह से भक्ति जीवन में आती है। उन मल लिंग मद भक्त जनो दर्शन स्पर्शनार्चनम परिचर्या प्रव गुण कर्मानि कीर्तनम मत कथा श्रवणे श्रद्धा मद अनुध्यान उद्भव सर्वलाभोपहरणम दास्येनात्म निवेदनम मज्जन्म कर्म कथनम मम पर्वानुमोदनम गीत तांडव वादित्रय गोष्ठी धर्म मद गृहे कलह। अब अपने जीवन में भक्ति कैसे आती है तो बताते हैं। तो मन लिंग जिसको देख करके भगवान की याद आवे उसको भगवान का लिंग भगवान की मूर्ति बोलते हैं। ये भगवान का अगर मूर्ति का दर्शन करके भगवान का स्मरण जरूर होना चाहिए। अब जैसे जैसे एक मूर्ति देखते हैं तो जो भगवान को जानते हैं उनके लिए तो मूर्ति भगवान भगवद रूप ही है, साक्षात वही भगवान है। भक्त लोग तो कहते हैं कि हमारे भगवान यही है, बोलते हमसे नहीं है, है ना, तो हम इनकी सेवा करके उन्हें बुलाएंगे, काहे को सेवा करते हो, कहीं हमसे बोल नहीं रहे, रूठे हुए हैं, मौन लेकर के बैठे हुए हैं, है? या ऐसे ही हो हंसी हंसी में इन्होंने मौन ले लिया है, अब बोलते नहीं है, मैं तो सेवा करके इन्हें बुला के करूंगा, ये है तो वही
ऐसी सेवा करते हैं। वो कहते हैं सुनिए भाई, ये मूर्ति तो भगवान का प्रतीक है, इससे आया नारायण का स्मरण। तो नारायण कौन है? तो निराकार ईश्वर के अवतार है। तो निराकार ईश्वर क्या है? तो साक्षात ब्रह्म ही है ना, साक्षात ब्रह्म ही है। तो उस मूर्ति को देख करके ब्रह्म पर्यंत का स्मरण करना। और मद भक्त जनो, और जो भगवान के भक्त हैं, असल में हृदय की शुद्धि के लिए सब कुछ है। एक भक्त का दर्शन करो, बोले हमने तो हजारों भगत देखे हैं महाराज। चाहे कुछ कहते हैं तो वैसे कहो कि हमने हजारों भगत देख के छोड़ दिए तो भक्त का दर्शन उसके हड्डी मांस जाम है ना, उसके बाल काले की सफेद है ना, वो मूछ दाढ़ी रखता है कि नहीं रखता है ना, उसके दांत टूटे हुए कि बने हुए हैं, इसके दर्शन का नाम भक्त का दर्शन नहीं है ना। तुम्हारे आस पास सब लोग बैठे हैं, कोई बैठा है? आप ये ख्याल करो कि ये जो हमारे पास बैठा है, ये बैठ करके अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहा है ना। भक्त जो होता है वो भगवान के साथ होता है। तो भक्त का दर्शन तब होता है जब उसके हृदय में बैठे हुए भगवान के साथ उसका दर्शन करो। बिना भगवान के भक्त का दर्शन करोगे तो भक्त का दर्शन कहाँ हुआ? तो ये भगवान का सेवक है। जैसे जब सिपाही को देखते हैं तो पुलिस महकमे की याद आ जाती है, और पुलिस की याद आती है तो सरकार की याद आ जाती है ना, सरकार की याद आ जाती है। तो जैसे पुलिस के सिपाही को देख करके सरकार की याद आती है, तो वैसे महाराज भक्त को देख करके सरकार की याद आ जानी चाहिए कि ये जो सर्वकार है ना, सर्वकार जिसने सर्व को बनाया है उसका नाम सर्वकार। तो सिपाही को देख के सरकार की याद आए और भक्त को देख करके सर्वकार की याद आवे। तो भक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चनम, तो दर्शन करना भक्त का, भगवान की मूर्ति और भक्त दोनों का दर्शन करना, स्पर्श करना और पूजन करना, परिचर्या उसकी सेवा करना, स्तुति करना, प्रभुण कर्मानुकीर्तनम विनय करना, उसके गुण और कर्म का अनुकीर्तन करना। मान लीजिए मूर्ति जो है इतने क्या क्या गुण है, कितनी कला, कितनी कला पूर्ण मूर्ति है, कब बनाई गई है, कब कहाँ धरती से पैदा हुई है, उसमें जो शुद्धि है, विशेषता है, जो गुण है उसका वर्णन करना, उसके किसको किसको क्या क्या लाभ हुआ है उसकी चर्चा करना, और भक्त में भी जो गुण है और उनका जो चरित्र है उसका कीर्तन करना। मत कथा श्रवण श्रद्धा मगन ध्यान मुद्रव, और भगवान की कथा के श्रवण में श्रद्धा करना। श्रद्धा करना माने जो फल श्रवण का बताया गया है उसको अर्थवाद नहीं मानना, उसको यथार्थ मानना। मत कथा श्रवण श्रद्धा, क्योंकि कान के रास्ते से ये कथा भगवान को हृदय में पहुंचाती है। ये भगवान आंख के रास्ते उतने हृदय में नहीं जाते हैं जितने कान के रास्ते जाते हैं, है ना? क्योंकि आंख से देखी हुई चीज के बारे में ये भगवान है ऐसा विश्वास होना बड़ा कठिन होता है, लेकिन कान से सुने हुए पदार्थ के बारे में ये भगवान है ऐसा विश्वास करना आसान होता है। इसलिए ये कथा कान के रास्ते से भगवान को हृदय में ले जाती है और जगाती है। तो कथा के वचन पर श्रद्धा रखना और मदनुध्यान अनुद्धव, प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान करना। सर्वलाभोपहरणम, जो कुछ अपने को मिले तो सब भगवान के सामने ले जाकर के अर्पित कर देना। ददाति प्रतिगृहणाति, देवी के बारे में तो लिखा है कि अष्टमी और चतुर्दशी को सब कुछ अपना देवी के सामने रख दे और कहे ये तुम्हारा, और उसके बाद प्रतिगृहणाति ये भाव करे कि देवी अपने भाव से उठाते फिर हमको दे रही है कि अब तुम हमारा प्रसाद लेकर के अपने काम में ले आओ। इसी प्रकार भगवान के सामने अपना सर्व लाभ जो है वो भगवान के सामने रख दिया। और दास के नो आत्मनिवेदनम, सेवा करने के लिए कि मैं आपकी सेवा आजीवन करूंगा ऐसा निश्चय करके आत्मनिवेदन कर देना, अपने आप को भगवान के प्रति अर्पित करना। अच्छा आप कुछ में इतने ही रहने देते हैं।